यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को थोड़ा सा एलिवेट करके समझने के लिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी हम लोग यहाँ पर y लिखते हैं, y इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेंथ की बात करें। तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस जो होता है फोर्स अपॉन एरिया के बराबर होता है। देन आफ्टर दैट लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेंथ, लॉन्गिट्यूडिनल चेंज इन लेंथ अपॉन एफ होता है। यहाँ पर एफ इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, एरिया चेंज इन लेंथ और एल इज ओरिजिनल। इन दोनों की वैल्यू को मैं अब इक्वेशन में पुट कर दूंगी, दैट इज y इज इक्वल टू f अपॉन e और डेल्टा l अपॉन f, दैट इज y इज इक्वल टू, क्योंकि ये वर्स में है इसको इन्वर्स करेंगे, इज इक्वल टू l अपॉन डेल्टा l। अब अगर ये मान लिया जाए कि जो उसकी वैल्यू है अप्लाइड फोर्स के अंदर, अगर अप्लाइड फोर्स 1 न्यूटन है और 1 यूनिट एरिया के ऊपर लगता है, यानी कि F इज इक्वल टू 1 न्यूटन फोर्स हो जाए और F इज इक्वल टू 1 मीटर है, देन Y इज इक्वल टू L अपॉन डेल्टा L फोर्स करें। चलो देन L डेल्टा इज इक्वल टू L, तो एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। Then y will be equal to the applied force, यानी बल्क मॉड्यूलस जो है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। इसके बाद सेकेंड है आपका मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉड्यूलस की बात करते हैं। बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉड्यूलस किसको कहा जाता है, जब वॉल्यूम के अंदर चेंजेस आते हैं। तो जो वॉल्यूम के अंदर चेंज आएंगे, दैट इज की इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेंथ। बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला है के इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेंथ। नॉर्मल स्ट्रेस हम लोग पढ़ चुके हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू F upon E और volume strength is equal to delta V upon V per second। दोनों की वैल्यू अबाउ इक्वेशन में रखने से पहले फोर्स और एरिया F is equal to अप्लाइड फोर्स, A is equal to एरिया, delta V is equal to change in वॉल्यूम, V इज ओरिजिनल वॉल्यूम। ये दोनों की वैल्यू यहां से उठाकर इसमें रखेंगे, सो K इज इक्वल टू F अपॉन E और डेल्टा की बात, देन K इज इक्वल टू F अपॉन E डॉट V अपॉन डेल्टा V हो। अब डेल्टा वी अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव कब होगा, जब वो एक्सपांड होगा, यानी कि वृद्धि होगी, फैलेगा, गुब्बारा है फूलता है, हवा भरने पर फूलता है, तो जब फूलेगा तो लगने वाला बल मॉड्यूलस जो है वो पॉजिटिव होगा। अगर कोन है, स्पंज है, अगर हम उसको दबा देते हैं या किसी गैस को प्रेस किया जाता है, तो उसकी जो वॉल्यूम V इज इक्वल टू नेगेटिव हो जाती है। नेगेटिव कब होगी, जब
जब वो कंप्रेस होगा यानी कि उसको दबाया जाएगा, जब दबाया जाएगा तो यही के की वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, ये इसकी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट वीडियो में इसका शेयरिंग प्रॉपर्टी एंड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी करेंगे।